जब मुझे पता चला कि हमें जाना है तो मेरी पूरी टीम 2 घंटे पहले मेरे घर आ गई। अगली बार कभी ये बहाना करे सेहत का अपनी तो वही डॉक्टर के पास लेके जाना। मैं तो डरा हुआ था, पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे, सीधी बात है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ तो मुझे काफी ज्यादा एक तरह से शॉक लगा, अच्छे वे में शॉक लगा। आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे अच्छी बात ये इन्होंने ये पूरी बिल्डिंग को ना ये यही सारा सेटअप किया हुआ है, पत्नी चैनल का भी किया हुआ है, डिजिटल का भी यही पे किया हुआ है। अच्छा, ये है खजाना मदीना जी, आप पहली बार अच्छा, तीनों में ना कंटेंट अलग है। उसकी वजह ये है कि शरे कंटेंट को आप वाया सॉफ्टवेयर ना लाइव ट्रांसलेट कर नहीं सकते। ये हमारा MCR है, मास्टर कंट्रोल रूम। ठीक है, मास्टर कंट्रोल रूम हमारे 3 है, ये 3 वो उर्दू है, ये इंग्लिश है। देखिए, ये आप लोग ना अब दुनिया से कंप्लीट समझ रहे हैं बात को, शाना बशाना कहूँ मैं खुद भी जब भी घर में होता हूँ, मेरी यूट्यूब सर्च इंजन में सिर्फ इस्लामिक कंटेंट होते हैं। ये हमारे रुकने शुरू आकर भाई दावत इस्लामी पूरी दावत इस्लामी को गवर्न करते हैं। ये 26 अराकीन पे मुख्तलिफ वीडियोस प्रोड्यूस करते हैं, स्टोरीज प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा ये सारा कंटेंट सोशल मीडिया खुद क्रिएट करता है, सोशल मीडिया यूजर्स को देखकर, उनकी डिमांड देखकर, और फिर उसके बाद हम उसको बनाते हैं और फिर यूजर्स चलाते हैं। ये एक हमारी वीडियो है जिसके तकरीबन 77 मिलियन व्यूज हैं फेसबुक पर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, इस्लाम इज द वे ऑफ लाइफ। अव्वलन तो आप सबको मैं दावत इस्लामी के आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह करीम आप सबका आना कबूल फरमाए। मेरे अभी आपके साथ कोई ऐसा भी जिसको मैन टू मैन इंट्रोडक्शन होता है ऐसा है नहीं, लेकिन एक रिश्ता आपका मेरा बहुत पुराना है। इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मुसलमान भाई भाई हैं। ये रिश्ता हमारा बहुत जब से मैं भी पैदा हुआ, जब से आप पैदा हुए, मेरा और आपका ये रिश्ता कायम है। एक मुसलमान के लिए जो सब कह सकते हैं कि बड़ी बुनियादी बात होती है वो है उसके रब की रज़ा। सुभान। हम दुनिया में बहुत सारों के लिए काम करते हैं कि वो राज़ी हो जाए, खुश हो जाए, और सबसे बढ़कर रज़ा और सबसे बढ़कर खुशी यकीनन अल्लाह की रज़ा में है। मैं पिछले दिन एक पोस्ट पढ़ रहा था, पोस्ट पे लिखा था कि क्या बात है कि जब मुझे मुसीबत होती है, परेशानी होती है, तो मेरा रब मेरी नहीं सुनता। जवाब दिया कि जब तू गुनाह करता है तो तेरा रब मुसीबत तुझे कब पकड़ता है। अल्लाह 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 अल्लाह। कितनी कितनी अजीम बात थी। और इसे कहते हैं हिल्म, अल्लाह ताला का सिफाती नाम है हलीम। हम जब पढ़ते थे तो हमें हमारे उस्ताद साहब बताते थे कि इसके मायने ये होते हैं कि अल्लाह ताला हिल्म वाला है, माफ़ करता है, ढील देता है। यानी जब तुम अपने रब की ना फरमानी करते हो, तुम्हारा रब तुम्हारी उसी वक्त गिरफ्त नहीं फरमाता,
माफ़ करता है, और हम उसकी नाफरमानी अगर कर भी लेते हैं तो ना हमारा पानी बंद होता है, ना हमारा खाना बंद होता है, ना हमारी सांस बंद होती है। जबकि आँख उसने दी है, उसकी नाफरमानी करते तो अंधा कर देता, कान उसने दिए नाफरमानी करते तो बहरा कर देता, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कुन कहकर तकलीफ फरमा देता है। तो हमें उस रब की रज़ा के लिए, मैं कहूँ कि उसी रब की रज़ा के लिए ही काम करना चाहिए, कि बंदे भी उसके, कि बंदगी ये है कि तेरा रब तुझे जब जहाँ देखना चाहे तो उस वक्त वहाँ नज़र आए, और तेरा रब तुझे जब जहाँ देखना पसंद नहीं फरमा तो वहाँ उस वक्त नज़र ही ना। तो ये अल्लाह हमें अपनी हकीकी बंदगी अता फरमा। बात चली थी उसकी रज़ा वाले मामले में कि हम अगर इल्म है, मालूमात है सही तौर पर, तो ये फैसला करना कितना मुश्किल है कि मेरा रब किस में राज़ी होगा। जिसमें अल्लाह राज़ी हो रहा है ना, बज़ाहिर आपको कितना ही इसका नुकसान नज़र आ रहा हो, कितना ही नुकसान नज़र आ रहा हो, जब आपने रब को राज़ी करने के लिए सब गवारा कर लिया तो अल्लाह ताला आपको रुस्वा नहीं होने देगा, अल्लाह आपको नाकाम नहीं होने देगा, क्योंकि आपने जो रास्ता इख्तियार किया था रब को राज़ी करने के लिए किया था। तो अल्लाह ताला आपको कैसे रुस्वा होने देगा, अल्लाह ताला कैसे नाकाम होने देगा? इज़्ज़त भी देगा, कामयाबी भी देगा, मकाम व मर्तबा भी देगा, और अपने रहमत से मोहताजी से भी बचाएगा। और जब हमें यह पता चल जाएगा इस काम के करने में रब राज़ी नहीं है, चाहे उससे दौलत मिले, शोहरत मिले, बज़ाहिर इज़्ज़त मिले, मनसब मिले, स्पेस मिले, जो भी मिले, लेकिन उन तमाम तर मिलती चीज़ों को अगर एक पलड़े में रखें और अल्लाह की नाराज़गी को एक पलड़े में रखें तो कोई कंपैरिजन तो है ही नहीं। तो बंदा सिर्फ रब की रज़ा पर हाथ रखे। खुलासा हदीस का, बंदा कोई काम करता है कि उस काम के करने में रब नाराज़ होता है, लोगों को राज़ी करता है, यानी लोगों को राज़ी करने में रब को नाराज़ कर देता है, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला भी उसे नाराज़ हो जाता है और मखलूक को भी उसे नाराज़ कर देता है। और इसका दूसरा हिस्सा ये हदीस का कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह को राज़ी करते हैं, मखलूक को नाराज़ होती तो हो जाए, यानी मखलूक की नाराज़ी की परवाह नहीं करते, रब को नाराज़ नहीं करते। तो हदीस पाक में आया कि इसका नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला तो उनसे राज़ी होता है, मखलूक को भी उनसे राज़ी कर देता है। और अल्लाह की रज़ा पाने का एक बेहतरीन ज़रिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है। रब को अपने हबीब की रज़ा इतनी प्यारी है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया और अन करी तुम्हारा रब तुम्हें इतना अता फरमाएगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह बात मेरी रज़ा की है तो उस वक्त तक राज़ी नहीं होगा जब तक उम्मत को जन्नत में दाखिल ना करवा लूँ। जी नादिर भाई, जज़ाकअल्लाह। नादिर जी, जी जी नादिर अली, और ये मेरी पूरी टीम बैठी हुई है। बहुत खुशी हुई आपसे रूबरू हो के, क्योंकि अक्सर टेलीविज़न पे और सोशल मीडिया पे, बल्कि एक दफ़ा तो आप यकीन करें रात के कोई 3-3:30 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने आपका एक बहुत पुराना बयान निकाल लिया जिसमें आप ना मौत के बाद क्या होना है उसका बता रहे हैं, और आप यकीन करें वो बयान सुनने के बाद मुझे नींद नहीं आई। तो और मैंने फजर की नमाज़ पढ़ी और मैं फिर उसके बाद सोया, तो ये चीज़ मुझे आज तक याद है। आपने जिस तरीके से बताया था तो वो चीज़ एक दिमाग में बैठ गई थी आपके साहबजादे, आज मुझे पता चला, क्योंकि इनको देखते रहते हैं अक्सर सोशल मीडिया पे, जिस तरह ये हज़रत साहब से क्लोज़ होके सवाल करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई भी कर सकता है जितनी इनके पास कर्टेसी है। मैं अभी इनको अप्रिशिएट कर रहा था कि आपकी वजह से जो सवालात हम करना चाहते हैं वो आपके थ्रू हमें मिल जाते हैं, ये बड़ी बात है। मेरा मदनी मुजाकरे में आना हुआ था, हज़रत साहब से मुलाकात हुई थी, ये मेरे लिए लाइफ की सबसे बेहतरीन मोमेंट्स में से एक मोमेंट था। जब मुझे पता चला कि मेरी दूसरी दफ़ा हमें जाना है तो मेरी पूरी टीम 2 घंटे पहले मेरे घर आ गई। आप यकीन करें, मैं इसको अल्लाह की रहमत कहूँगा और हम पर अल्लाह का फजल कहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसका रास्ता मस्जिद से आता है। क्या बात है, क्या बात?
आपके घर में वही आता है जिसे आप बुलाना चाहते हैं। सुभानअल्लाह, जिसे आप बुलाना ना चाहें वो आपके घर में आ नहीं सकता। वाह, तो अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में वही आता है जिसे अल्लाह बुलाता है। आपको आपके तो शायद हो सकता है तजर्बा हो, कई ऐसे होते हैं जो मस्जिद के दरवाजे तक आते हैं, टॉयलेट में जाते हैं और वापस चले जाते हैं, नमाज के लिए सीढ़ी चढ़ के मस्जिद में नहीं जाते। कईयों को आपने देखा होगा जिन्होंने मार्केट की मस्जिद का टॉयलेट इस्तेमाल करना होता है लेकिन मस्जिद के फर्श पर कभी सजदा नहीं करने की तौफीक मिलती। सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे आप जैसे लोगों के सामने बिठाया। तो मेरा एक सवाल था छोटा सा कि बेशक अल्लाह पाक का जो खूबसूरत तोहफ़ा है, हिदायत सबसे खूबसूरत तोहफ़ा है और इंसान तौबा करता है तो हिदायत मिलती है, लेकिन तौबा जो है इंसान बार बार करता है, बार बार टूटती है, करता है टूटती है, तो मतलब इस्तकामत नहीं मिलती। और अगर पक्की तौबा कर ली तो इसकी अलामत क्या है कि अब मैं मुतमईन होकर सो जाऊं कि मेरी तौबा जो है वो कबूल हो चुकी है? तो मुझे तो आपके सवाल से खुशी हो रही है। मैं तो डरा हुआ था, पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे, सीधी बात है। मेरे को तो उन्होंने कहा कि ये मतलब कम्युनिटी आ रही है, मैं कभी मुलाकात सामना हुआ नहीं। पर अव्वल तो ये कि इसकी कोई भी बंदा गारंटी नहीं दे सकता कि मेरी तौबा कबूल हो ही गई है। अलबत्ता अल्लाह ताला के साथ बंदा हमेशा अच्छा गुमान रखे कि मैंने रब से तौबा की तो अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाएगा। शायद आपके साथ ऐसा हुआ, जब आप तौबा करते हैं तौबा से थोड़ी सी फीलिंग्स होती हैं कि यार कुछ हुआ है, कुछ मतलब थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आप अपने आप को फील करते हैं कि यार कुछ हुआ है, और इसमें अगर आंसू निकल आए तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ जाता है कि यार ये चलो मेरे जैसे आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। एक तो ये फीलिंग होती है, दूसरा गुनाह करते हैं तौबा करते हैं फिर गुनाह होता है, फिर तौबा करते हैं फिर गुनाह होता है फिर तौबा करते हैं। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिन्हाजुल आबिदीन में लिखा है, बड़ी प्यारी बात लिखी है। आप फरमाते हैं कि जिस तरह गुनाहों को आदत बना लिया ना, तौबा को अपना दस्तूर बना लो। सुभानअल्लाह। अच्छा जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे यहाँ बुलाया गया, कोई सवाल नहीं है मेरा और सिर्फ सुनने ही बैठा हूँ। और जैसे नादिर हैं और बाकी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, इसी तरह हम भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं पिछले कोई 10 साल से, और कोशिश करते हैं कि उसका कोई ना कोई मकसद बनाए, कोई मैसेज हो। ह्यूमर ज़रूर होता है लेकिन आखिर में मैसेज की कोशिश करते हैं। अगर वक्त मिले तो आप देखिएगा कभी। तो बस यही इंट्रोडक्शन है मेरा, थैंक यू। देखिए ये अब ज़ाहिर बात है, इस जहत पे देखा जाए कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, तो मेरा ख्याल है कि हम सब इसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए हैं, किसी न किसी गाड़ी का इंतज़ार ही कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वही जो इब्तदाई मेरा आपके साथ जो बातचीत थी कि अल्लाह की रज़ा, कि लिखते वक्त, बोलते वक्त, किसी भी इसी तरह के अमल करते वक्त एक बात अपने जहन में रहे कि अगर कयामत के दिन मेरे रब ने मुझसे पूछा कि ये क्यों किया, तो मैं अपने रब के आगे शर्मिंदा ना हूँ। अल्लाह, ये इस अल्ला। इसको मरकजी सेंट्रल पॉइंट इसी को बना ले। मैं जैसे आपके साथ बैठा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा रब मुझसे फरमाए कि बता तूने उस दिन ये बात क्यों की थी, तो मेरे पास मैं क्या जवाब दूंगा? क्योंकि अल्लाह ताला के हुजूर जवाब जो है ना, ये मतलब जब बंदा गलत करता है तो अल्लाह के हुजूर कैसे कबूल करेगा? सलाम अलैकुम, मेरा नाम दानियाल शेख। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ताल्लुक मेरा कराची वाइंस से। क्या नाम, क्या बात? दानियाल शेख। दानियाल शेख, रिहाइश क्या है आपके? दानियाल नाजोमा 4 नंबर में, लेकिन मेरा ऑफिस जो है ना ये तारिक रोड पर ही है, तो फिर सब्जी मंडी से रोज ही गुजर होता है। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक तरह से शौक लगा, अच्छे वे में शौक लगा, जिस तरह से अंदर आप लोगों ने पूरा इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो उस चीज़ को मैं अभी तक प्रोसेस कर नहीं पा रहा कि इतना बेहतरीन तरीके का सिस्टम जो आपने बनाया है, प्लस मदनी चैनल का पूरा सिस्टम, जिस तरह से रेहान भाई ने मुझे थोड़ा ब्रीफ किया, अभी आप लोगों का डिजिटल का काम देख रहा हूँ मैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आप लोगों ने डिजिटल का इम्पोर्टेंस उस ज़माने में देख ली जब तक डिजिटल जो है एग्जिस्ट नहीं करता था पाकिस्तान में, ठीक है। अब उस ज़माने में आपने इसकी चैनल्स की जो है इम्पोर्टेंस देख ली जब चैनल्स इतना ज़्यादा रुझान चल रहा था पाकिस्तान में। 12 साल हो गए आपके टीवी चैनल को, बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कि उस वक्त प्राइवेट चैनल्स आना शुरू हुए थे, कि दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद दावत इस्लामी के करीब आने की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। एक तो एप्रिसिएशन किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और मैं चाहूँगा कि आप हमारा पार्ट बने, नेकी के काम में पार्ट बने, क्योंकि जब आपके पास एक सलाहियत है, काबिलियत है और विजन है और ये मेंटेलिटी जो आपकी है ना कि इस्लाम और दीन का पैगाम डिजिटली तौर पर जिस रैपिडली आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, आई थिंक इस वक्त कोई और ऐसा प्लेटफॉर्म मीडियम नहीं है। डे टाइम में अगर आप हमें थोड़ा वक्त दें तो मैं चाहूँगा कि आपको सबसे पहले हम दारुल मदीना विज़िट कराएं, जो आप एजुकेशन का हमारा जब काम देखेंगे दावत इस्लामी का कि जो वर्ल्डली और क्योंकि आपको तो इस बात का अंदाज़ा होगा कि इल्म तो एक ही है ना, हालात और ज़माने ने इल्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, या आलिम बनना है तो यहाँ जाओ, डॉक्टर बनना है तो यहाँ जाओ, ठीक है। हमारी कोशिश ये है कि इस इल्म को एक ही छत के नीचे लेकर आ जाएं, कि अगर आप इस छत के नीचे आ जाएं तो अब आपको इंशाल्लाह आलिम भी बना दिया जाएगा और जो वर्ल्डली प्रोफेशनल को अगर आप हासिल करना चाहते हो तो आपको वो भी बना दिया जाएगा। तो ये हम इस पर 5 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमने इसको स्टार्ट लिया हुआ है, तो मैं चाहूँगा कि आपको उसका भी विज़िट हो। फिर हमारा आईटी, ये समझें कि ऑलमोस्ट 94-95 से कायम है। इस वक्त 12,000 स्टूडेंट हमारे पास वो हैं जो ऑनलाइन हमसे दीन सीख रहे हैं और ये तकरीबन 70-80 मुल्कों में हमारे पास ये एडमिशन्स हुए हुए हैं जो ऑनलाइन हमसे पढ़ते हैं और हमारा ये हज़ारों का स्टाफ है जिसको हम कहते हैं मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इसमें हमारे मोर देन 30 कोर्सेस हैं, आपको जो कोर्स आप शादी करना चाहते हैं निकाह कोर्स कर लें, अब हज पे जाना चाहते हैं हज कोर्स कर लें, तिजारत कोर्स कर लें, शरीयत कोर्स कर लें, कुरान कोर्स कर लें, तफसीर कोर्स कर लें, दरस निज़ामी कर लें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अभी चूँकि मैं भी उन लोगों में से हूँ कि मैं यहाँ से गुजरता हुआ जाता था, क्योंकि ससुराल की तरफ जाता था जब, ये आगे पीछे ज़्यादा नहीं देखता हूँ मैं, सो हमेशा मैंने देखा अपनी तरफ, मतलब ये फैज़ान मदीना को, मगर फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ। सो यहाँ आके थोड़ी सी परसेप्शन ज़रूर चेंज हुई है क्योंकि डिजिटल उसमें काफ़ी, बल्कि हमसे भी आ गए। अब अभी पता चला कि 9 साल पहले यूट्यूब है तो हमारा तो 6 साल पहले खुला था, सो हमसे भी पहले से डिजिटल पे। टेलीफोनिया एक बीमारी है, ये पहले बड़ों को तो था ही और अभी भी है। ये गालबन हजरत साहब ने ही बताई थी। हाँ, उन्होंने बिल्कुल इसका जो उन्होंने क्या कहते हैं इंकशाफ किया था वो उन्होंने ही किया था, टेलीफोनिया। तो अब ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, बिल्कुल आप कह लें जैसे 2 साल के बच्चे, तो ये देखते हैं कार्टून, कार्टून्स, यानी ऐसा है कि आप उनको चुप करवाना है तो एक वही वाहिद जरिया है जो वो देख के चुप होंगे। इसका बेटा है मिकदात, मेरा पोता, तो इनके 2 बेटे हैं, तो एक 4 साल का है और एक 2। सरप्राइज मिले आज मुझे, मेरा इससे छोटा बेटा है वो भी एक बेटी का बाप है। माशाल्लाह। मैं दादा भी हूँ, मैं नाना भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये 4 महीने का है मिकदात, अब ये जैसे लेटा हुआ है ना तो ये रो रहे होते हैं, तो हमारी ये जो कलाम हो ये एनिमेटेड खा के दिखाने से मैं इनको एवॉड करवाता हूँ कि अब दिखाओ नहीं, क्योंकि वो बच्चे की आई साइट को ज़्यादा इफेक्ट करती है मोबाइल की ये वीडियो जो है, तो इनको मैं यहाँ अब चुप हो जाएगा। हमें बहुत पहले एक आदमी ने समझाया था, मुझे उसकी बात समझ में आई थी कि जिद्दत के खिलाफ जाने के बजाय जिद्दत के सही इस्तेमाल पर ध्यान दें, जब जिद्दत आएगी लोग यूज़ करेंगे। जिद्दत है एक जो भी मतलब इस तरह की इजाद होती है वो लोग उसको यूज़ करते हैं क्योंकि वो लोगों को इजी कर देती है या एंटरटेन कर रही होती है, लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें कि ये जिद्दत, इससे पहले कि इसकी गलत आदत पड़ जाए आप इसका सही तरीका बता दें। तो हमने भी इसको थोड़ा सा दिया कि अगर वो जिद्दत शरीयत के खिलाफ नहीं है तो फिर उसके इस्तेमाल, तो अभी ये कि अल्टरनेट के सिवा बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बच्चा अल्टरनेट मांगता है ये याद रखिएगा। ये जैसे एक मिसाल के तौर पर ये खाली गिलास हो बच्चा उठा ले तो आप बच्चे से जब भी ये छीनेंगे ना ये चीखेगा, अच्छा हम भी चीखते हैं दे दे, तो वो रोएगा, हम भी वो चीख तो नहीं सकता, वो रोता है तो हम भी वो जिद, तो हम भी जिद, हम कहते हैं जिद नहीं करो, तो कान में अपने को बोले तुम भी क्यों जिद कर रहे हो। तो जब भी आप इसके कुछ लेना चाहते हैं ना बच्चे से, अब इसको किचन हिलाना शुरू कर दें, ये बजेगा ना ये फौरन उसको पकड़ लेगा, अब गिलास आराम से ले, पानी भी पी ले और रख भी दे संभाल कर, अल्टरनेट छोटा हो या बड़ा हो अल्टरनेट देना पड़ता है। किसी के पान की आदत छुड़वानी है अल्टरनेट देना पड़ता है, सिगरेट की आदत छुड़वानी है आपको अल्टरनेट देना पड़ता है, इसकी गंदी वीडियोस की आदत छुड़वानी है आपको इसको अल्टरनेट देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से लेते हैं ना तो स्पेस आ गया,
वो खाली जगह को आप पूर कर दें, वरना वो दोबारा उस खाली जगह में आगे बैठ जाएगा। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात ये हजरत साहब कि मेरी जो उम्र है वो सिर्फ सीखने की है, मैं सवाल तो कर नहीं सकता आपसे। मैं सिर्फ इतना ये कह सकता हूँ कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी रात में, तो हमें अगले दिन अगर कहीं जाना होता तो मैं 2-3 दिन तक वेट करता हूँ कि यार तबीयत खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे आज यहाँ का पता था कि मुझे यहाँ आना है, मैं फ़ौरन डॉक्टर के पास गया क्योंकि मुझे पता था मेरी तबीयत कल तक और बिगड़ सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ आना है। मैं फ़ौरन गया, मैंने बोला डॉक्टर साहब मुझे कल यहाँ पे जाना है मदनी मुजाकरे में और ये चैनल पे, वहाँ कुछ इंटरव्यू वगैरह है, तो मुझे ऐसी दवाई दें कि कल मैं वहाँ जाके सही से बैठ सकूँ और बात कर सकूँ। तो मुझे इतनी खुशी है कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। और कहीं मुझे जाना हो तो मुझे दवाई की फ़िक्र या डॉक्टर की फ़िक्र नहीं थी, लेकिन यहाँ मुझे आना था तो मैं फौरन जाके मैंने कहा कि मुझे ठीक कर दें। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, दुआ है कि अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए, आमीन आमीन, तंदुरुस्ती दे और ईमान की भी सलामती आमीन नसीब फरमाए। अगली बार कभी ये बहाना करे सेहत का अपनी, तो वही डॉक्टर के पास लेके जाना जिसने एक दिन नहीं, इनको नहीं डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना, इनको ये कहना चल फैदाने मदीना चलते हैं, तो भी ये ट्रीटमेंट करेंगे, मना करेंगे नहीं, 3 दिन निकाल देंगे ये। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं समझता हूँ तमाम कम्युनिटी की तरफ से मैं कर रहा हूँ कि अगर पॉसिबिलिटी है तो 1-on-1 अगर हजरत साहब से हमारी मुलाकात करवा दी जाए। मैं इंशाल्लाह, अभी तो हम आउट ऑफ कंट्री हैं, वो जब आ जाएं मैं आपकी रिक्वेस्ट पर्सनल सिफारिश के साथ हाजिर करने की कोशिश करूँगा। मैं पूछना चाह रहा था कि दीन या नेकी काम के लिए दाढ़ी रखना ही क्यों जरूरत है, या इमामा बांधने ही क्यों जरूरत है, हम लोग पैंट शर्ट में या क्लीन शेव होके क्यों नहीं काम कर सकते? किसने कहा नहीं कर सकते, मतलब जब भी उसका मैं मिलूं तो सही उससे। जब भी कोई आते हैं तबलीग के लिए वो यही बोलते हैं दाढ़ी रख लें, दाढ़ी सजा लें, मैं उससे मिलना चाहूंगा, कहते ना मुलाकात करें। लेकिन हम एक यूथ में क्या है कि यार अगर नेक बनना है तो दाढ़ी रखनी पड़ेगी। दाढ़ी रखना खुद एक नेकी है, अगर एक मुट्ठी दाढ़ी रखते नेकी है, लेकिन अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, तो उसके लिए ना एक मुट्ठी दाढ़ी ज़रूरी है ना सर पर इमामा ज़रूरी है, बल्कि आपका नमाजी होना भी ज़रूरी नहीं है, जबकि नमाज ही ज़रूरी है, नमाज फ़र्ज़ है। लेकिन मिसाल के तौर पर एक बेअमल शख्स है, अमल नहीं करता, किसी को अमल की दावत तो दे सकता है ना। अगर मैं गुनाह से नहीं बच सकता तो किसी को गुनाह से बचा तो सकता हूँ, कि गुनाह से बचाना भी तो नेकी है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी हो तो ये वाजिब है, एक मुट्ठी से घटाना मुंडाना इसकी शरीयत ने इजाज़त नहीं दी है, नाजायज़ है। इमामा अगर आप पहनते हैं तो सवाब मिलेगा, अरे इमामा नहीं पहनते तो आपको गुनाह नहीं है, नंगे सर रहना गुनाह नहीं है, अगर आप नंगे सर है तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। तो ये तो मैं आप सबको अर्ज़ करूँगा कि जहाँ जहाँ अल्लाह ने आपको हिम्मत तौफीक दी है वहाँ पर आप बिल्कुल लोगों को गुनाह से बचाएँ। क्या पता किसको गुनाह से बचाने की वजह से अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे गुनाह से बचा कर अल्लाह ताला ईमान सलामत दे, सलामती दे और मुझे मरने के बाद जन्नत दे दे। हमारा वो आप लोग एक वर्ड यूज़ करते गोल, कि आपकी ज़िंदगी का गोल क्या है? हमारे ज़िंदगी का गोल जो है ना वो बेहिसाब जन्नत में दाखिला चाहिए। या कोई पूछता नहीं आप आपका गोल क्या है, तो हमारा गोल ये है, एक मुसलमान का प्राइम गोल क्या होना चाहिए ये याद रखिएगा, हर मुसलमान का प्राइम गोल ये होना चाहिए कि मैं बेहिसाब मगफिरत पाकर जन्नत पे दाखला चाहता हूँ। बेहिसाब से मेरी मुराद ये होती है, और ये मुराद यही है कि अल्लाह ताला मुझसे हिसाब ना ले, मेरी अकाउंटेबिलिटी ना हो। कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए आयशा कि जिससे हिसाब किताब होगा वो फंस जाएगा। अल्लाह वक्त, अल्लाह डेफिनेटली हमको अकाउंटेबिलिटी तो कर दे ही नहीं सकते, अल्लाह ताला को हिसाब कौन दे सकता है? तो अल्लाह बेहिसाब बख्शने पर कादिर है, कि वो चाहे तो अपने बंदे को बेहिसाब बख्श दे, उसको जन्नत में दे तो मालिक है। तो ये दुआ भी करते रहें कि या अल्लाह मुझे बेहिसाब बख्श दे। तो हमारा गोल क्या है ये याद रखिएगा। तो ये आपको कुछ तोहफे दिए जाएंगे, आपको सीधे हाथ से देना, सीधे हाथ से देना या उल्टी
Islam is the complete way of life. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. Islam is the way of life. Islam is the Islam is the complete way of life. तो ये वही मंसूर भाई है जिनका तोहफा आपको दिया जा चुका है। कैसे मंसूर भाई? ये आपका तोहफा हमने आपके दोस्त को दे दिया था। आप प्लीज पहले खाना सब आपने मुझे दीजिए वरना मिलता नहीं है। बैठे देते नहीं रहे। चलो इनके नसीब अच्छे थे।